आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूटीज़ है। ये हमारे स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं बारामूला में, उन्होंने काफ़ी देर से फॉर्म्स भरे हुए थे और इस साल हमारी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कूटीज़ जो हैं इन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आई हैं। 20 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे इसी साल और 60 हमें और ये आई हैं और इसके हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन की 60 जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया उनको कि कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए ट्रेनिंग करना और हमारी तहसील पे इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ साथ इनके जो बाकी इश्यूज़ हैं डिसेबल्ड लोगों के, स्पेशली एबल लोगों के, उनको भी डिस्कस किया गया और उनकी एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ भी बात की गई और ये देखा गया कि जो जो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी नोट किया गया। और इनको भी बताया गया कि किस तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ J&K, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, चाहे वो मिशन यूथ में हो या बाकी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्निंग स्कीम्स हों, उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई और हमें भी एक प्रॉपर फीडबैक मिला कि कितनी ज़रूरी है इनके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स वगैरह करना। आज मुझे लगता है ये बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, 2022 में बहुत ही अच्छी शुरुआत डिसेबल लोगों के लिए, खासकर जो डिसेबल टांगों से है उनको 90% टांग वापस मिलती है इन स्कूटियों से। मैं आगे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो भी डिसेबल लोग हैं उनको सब लोगों को ये स्कूटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पहुँच सके, अपनी टांग वो गवा चुके हैं मगर ये टांग मिलती है उनको, स्कूटी जो मिलती है उनको अपनी टांग वापस मिल जाती है इस स्कूटी से, फिर वो हर जगह पहुंच जाती है, बाज़ार जाते हैं कहीं सामान लाने के लिए, इससे किसी मोहताज नहीं रहते हैं वो। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूटीज़ है। ये हमारे स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं बारामूला में, उन्होंने काफ़ी देर से फॉर्म्स भरे हुए थे और इस साल हमारी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्कूटीज़ जो हैं इन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आई हैं। 20 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे इसी साल और 60 हमें और ये आई हैं और इसके हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन की 60 जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया उनको कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसके लिए ट्रेनिंग करना और हमारी तहसील पे इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ साथ इनके जो बाकी इश्यूज़ हैं डिसेबल्ड लोगों के, स्पेशली एबल्ड लोगों के, उनको भी डिस्कस किया गया और उनकी एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ भी बात की गई और ये देखा गया कि जो जो इनको इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको भी नोट किया गया। और इनको भी बताया गया कि किस तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ J&K, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, चाहे वो मिशन यूथ में हो या बाकी हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंसर्निंग स्कीम्स हों, उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई और हमें भी एक प्रॉपर फीडबैक मिला कि कितनी ज़रूरी है इनके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स वगैरह करना। आज मुझे लगता है ये बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, 2022 में बहुत ही अच्छी शुरुआत डिसेबल लोगों के लिए, खासकर जो डिसेबल टांगों से है उनको 90% टांग वापस मिलती है इन स्कूटियों से। मैं आगे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो भी डिसेबल लोग हैं उनको सब लोगों को ये स्कूटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पहुँच सके, अपनी टांग वो गवा चुके हैं मगर ये टांग मिलती है इनको, स्कूटी जो मिलती है उनको अपनी टांग वापस मिल जाती है इस स्कूटी से, फिर वो हर जगह पहुंच जाती है, बाज़ार जाते हैं कहीं सामान लाने के लिए, इससे किसी मोहताज नहीं रहते हैं वो।